रसोई के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बोलेंगे। बकवास कर रहे हो तुम, ये सब तुम्हारे उस नाइस की तरह है, कन्वीनियंस। सच ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो, सच ये है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है इसलिए तुम खुली हवा में सांस लेते हो, सच ये है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह बात करने की, संवेदनशील होने की, त्योहार मनाने की, जीने की। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। We will keep fighting a battle till we destroy India. You people carry the Indian passport? You are on an Indian campus? You are the beneficiaries of a subsidized Indian government education? Your education is paid for by the Indian taxpayer? I think गुण दीमक बन के जीता है वीर भोग्य वसुंधरा, ये मेरा लक्ष्य है। हमारी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को बाहर भीतर हर प्रकार के दुश्मन से बचाऊं। नहीं आए हम लोग ने जैसे पूछना शुरू किया पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, साथ में तहसीलदार सर भी थे वो अच्छा हुआ और पूरी पूरी फोर्स भी थी, सो दैट्स व्हाई हम लोग बच के आ गए, अदरवाइज बच नहीं सकते। पत्थरबाजी करने लगे। तुम किसे बचा रहे हो? कौम जानते हो क्या? कौम निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होती लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में, इसके इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। तो दीन के बारे में मालूम होगी वो मस्जिद में आकर नमाज पढ़ेगा, अगर आप मस्जिद में नहीं पढ़ोगे घर में पढ़ोगे नमाज तो आपको सवाब नहीं मिलेगा उसका, आपको किसी भी नमाज हो। अरे भैया धर्म तो इंसान के लिए ही है, धर्म इंसान के लिए है, लेकिन हम तो अपने इंसान की जिंदगी से बड़ी चीज कोई है? हम तो अपने मसले से चलेंगे ना, जो हमारे हुजूर हम तो हमारे इस्लामी जो रूल है हम तो उससे चलेंगे ना। अच्छा बहरहाल कोरोना वायरस को लेकर कोई एहतियात बरत रहे की अल्लाह के? नहीं अल्लाह के सुप्रीम कोई एहतियात नहीं बरत रहा है, ज्यादातर मुसलमान जो एहतियात कोई नहीं बरत रही, मुश्किल से 5% भी नहीं बरत दिया, वो अल्लाह के ऊपर है सिर्फ, अगर लग नहीं होगी ना एहतियात ही बरतेंगे तब भी लगेगी। अरे कुछ साइंस जैसी चीज भी है, कुछ मशवरा भी है, उसको भी मानना चाहिए। नहीं मानना चाहिए लेकिन बहुत सा क्या है मैं आपको बताऊं, वो सोचता है जो भी है जो करना है अल्लाह ने करना है, हमारा जो ईमान है वो अल्लाह के ऊपर है, अगर बीमारी लगनी है तो लग के रहेगी, आप कुछ भी कर लो। अंदर से आंसू निकल पड़े, बगैर मैं कुछ नहीं कह सकती, अभी भी मुझे बुरा लग रहा है। मैं पहले सोचती थी कि ये शायद गंदा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा इंसान है, लेकिन वाकई सच है कि इन लोगों ने थूका भी होगा, मूता भी होगी, जो भी इन्होंने किया इन पे भरोसा नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकती। पर आपको उस समय बुरा लगा जब आपके साथ इन्होंने मारपीट शुरू कर दी खाने को लेकर और आपका गला पकड़ के कहा आपको कि खाना खाओ? हाँ मतलब इन्होंने मेरे को पकड़ने की कोशिश करी गला ऐसे कि सर झुका के, मतलब उनका मतलब था इसका मुंह दो इसमें, पर मैं किसी तरह से भाग गई तो इन्होंने मेरा पीछे बैग पकड़ लिया। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति, और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे, हजारों राठौड़ मारे जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। ये मेरे तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है, इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में धसा रखा है ना शुतुरमुर्ग की तरह, उसे बाहर निकालो और देखो, विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। ये दिखा रहे कि नहीं कोरोना है यहाँ पर, ये है, कोई कोरोना नहीं है, हम लोगों को पता है उन्हें कोरोना से डर होगा, कोरोना हमारे कुरान से निकला है, कोरोना माने कुरान और वो उसी से निकला है। बोतल में टॉयलेट करा इन्होंने और केलों में छिड़क रहे हैं। इधर आओ, इधर इधर आओ। जहाँ पर एक डॉक्टर की टीम जब शहर के नागफनी के नवाबपुरा मस्जिद हाजी नेब इलाके से कोरोना संदिग्ध लोगों को लेने पहुंची तो लोगों ने डॉक्टरों की टीम पर ही हमला बोल दिया। डॉक्टर्स की टीम पर जमकर पथराव किया गया। इस हमले में एम्बुलेंस और पुलिस की दो गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। खबर के मुताबिक इस पत्थरबाजी में एक डॉक्टर के साथ 3 पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी खबर सामने आई। हर तारीख पर इनकी मौसमी मजहब, इनकी आतंक की मोहर लगी हुई,
और तारीख को साफ करना मुझे आता है मेजर, वही कर रहा हूँ, सफाई। सफाई ब्रिगेडियर? इनोसेंट बच्चों पे शूट एट साइट का इनोसेंट? AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह, इनोसेंट? बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है। और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है।